अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल चाल हैं जी? सब खैरियत से हैं? ये आज की वीडियो जो है बरखुरदार वकास बेग साहब की फरमाइश पे, जो कि हमारी अनमोल फैमिलीज़ के मेंबर हैं, उनकी फरमाइश पे बनाई जा रही है। उन्होंने कहा चाचा जी काफ़ी दिन हो गए फार्म तो कोई वीडियो नहीं आई, तो मैंने कहा चलें आज बनाते हैं जी आपके लिए वीडियो। तो ये जनाब बच्चों की जो नर्सरी न्यू बनाई है हमने, ये देखें पुरसकून माहौल में छोटे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं। जो फ्रेश सुई हैं इनकी मदर्स, वो भी फ़िलहाल यहाँ पे हैं। फर्क हो गई, दूध बन गया? चल बोलिए। एक महीने से लेके तीन माह तक का जो बच्चा है वो हमने यहाँ पे रखना है जी इंशाल्लाह। और ये कल हमारे परखा इस बछड़ी का नाम है जी। अब उतरा है टापे पानी पाओ फिर, और परली खुरली भी भरो तो इनू भी धो के इनू भी भरो। इस बछड़ी का नाम परखा रखा जी। ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल पिंक नोज, वाइट हल्के हल्के ब्राउन जो हैं इसके एयर्स हैं, यानी कि कान जो हैं वो हल्के हल्के ब्राउन्स हैं। तो वो भी लगता है कि इंशाल्लाह जल्द कलर सेट हो जाएगा, क्योंकि जानवर जो है ना वो बाजू का रंग बदलते हैं आगे जाके। अब ये कैसी निकलती है ये तो अल्लाह जानता है। बज़ाहिर उनवानात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ये इसकी मदर है, ये हमारे दोस्त हैं, बरखुरदार हैं, भाई हैं, राणा यूसुफ सत्तार साहब। ये इन्होंने हमें भेजी थी। और दरवाजा बंद कर, कुतर सारा खोलिया चौड़ चपट। ओ बच्चा आ दरवाजा बंद करी। ये प्रेग्नेंट है हमारी गाय जो है, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा बेबी देगी। और ये भैंसों के बच्चे हैं, अनमोल टू भी यहाँ हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ये जी हमारे भाई यूनस अवेडिया साहब ने, सॉरी जावेद अवेडिया भाई ने, वालेकुम अस्सलाम, जावेद अवेडिया भाई ने इसका नाम रखा है जी बछड़ी का। वो जो आगे वाली साइड पे बैठी हुई है, इस बछड़ी का नाम रखा है जी सुनहरी शहजादी। और दरवाज़ा खोल के उन्हें बच्चे अंदर वाड़ ना, चीज़ा वेखते हो तो फिर पूरा काम क्यों नहीं करते होंगे? शायद वेख जाती है ना, पता होता भी है बाहर फिरती है, इन दरवाज़ा खोला अंदर वाड़ा। देखें जी जब माहौल रिलैक्स हो तो जानवर भी बड़ा, ये देख लें आप ये किस तरह रिलैक्स होकर लेटी हुई है, कितने सुकून से बैठे हुए ये सारे एनिमल्स। और ये अनमोल टू है जी, और बिल्कुल मुझे यकीन है कि ये अपने बाप से भी आगे जाएगा, क्योंकि जी ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। ये अनमोल टू है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है अपने बाप की तरह। कद भी वैसे ही है और वैसे ही स्टाइल है, वो भी ऐसे ही खा पी के जो ना लेट जाता था, और वैसे ही हल्के से चार बाल इसके सर में है, थोड़ी सी धूम इसकी जो है वो सफेद है। अलहदा नर्सरी का ये फायदा होता है कि आप बच्चों की जो फीडिंग है वो प्रॉपर हो जाती है, बच्चे खुला आज़ाद माहौल के अंदर बच्चे जो हैं वो ग्रो अच्छी करते हैं। अच्छा जी दूसरी बात, कहते हैं मिट्टी खाते हैं बच्चे, अगर आपने नीचे ये रेत, हमने रेत डाली हुई है और मिट्टी नहीं खाते, ये बस इन्होंने आदत से मजबूर हो गए, कुछ मेरे हाल बच्चों को मुंह पे छिक्की बांधी हुई है। वैसे अगर आप उस पर पानी का छिड़काव करके रेत इस्तेमाल करें, यानी कि रेत मुकम्मल गीली हो, कहीं खुशक रेत ना हो, तो फिर उसमें जो है वो जानवर के बच्चे मिट्टी नहीं खाते। ये देख लें आप सारे खुले बैठे हुए हैं,
मुंह नीचे मारेंगे मगर मट्टी खाएंगे नहीं। कई दफ़ा चेक किया है होंठों पे मट्टी लगी होती है मगर फिजिकली मट्टी उनके अंदर ज़ुबान पे नहीं होती। अब्दुर्रहमान उपचिन मसाला देता जी जी अनमोल टू बेस्ट होगा जी, वाकई बेस्ट होगा और माशाल्लाह हेल्थ वाइज भी हेल्थ वाइज भी फिट है माशाल्लाह। और इसका 44 डेज पे हमने वेट चेक करना है जी, 1 अगस्त को ये पैदा हुआ था, 14 सितंबर को इसका वज़न चेक करेंगे इंशाल्लाह क्या प्रोग्रेस आती है। तो ये आज की वीडियो जो है हमने बरखुरदार वकास बेग जो कि हमारी अनमोल फैमिली का हिस्सा है उनकी फरमाइश पे बनाई है। ये माशाल्लाह मौसम आया हुआ है भैंसों के बच्चों देने का, तो ये बच्चे आ रहे हैं। अभी क्योंकि ये पोर्शन मुकम्मल नहीं हुआ, वो दूसरी साइड भी उसके ऊपर छत डलनी है, ये जो सामने आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, तो फिर ये जो माएँ इनकी इनको बाहर रखा करेंगे और जो नौजायदा बच्चे होंगे उनको भी वक्ती तौर पे 4 से 5 दिन के लिए माँ यहाँ पे शिफ्ट होगी, उसके बाद माँ अलहदा हो जाएगी। ये ब्राह्मण का पिंक नोज बच्चा आया हुआ है और यहाँ एक जुड़वा बच्चे भी होंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे बुल का रिज़ल्ट है जी। एक बच्चा पिंक नोज है, दूसरा बच्चा जो जैसे हम नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, और ये जुड़वा बच्चे दिए हैं हमारी एक गाय ने। हाँ जी, ये सामने जो बाइक वाला खड़ा है ये भागनाड़ी ब्रीड है, बरखुरदार जहीर इमरानी साहब की मोहब्बतें हैं, ये उन्होंने हमें गाय लेके भेजी थी और बच्चे की आप उतरे ना चीज़ों का ध्यान रखा करो भी ये बनना कितने वैसी, और होर एक दो बारी इवें टप्पे मारे तो तोड़ देगी बज गल ठीक है। टीका शीका लाने वास्ते कोई अपना किला ठोको, कोई थम्बी ठोको, जो मर्जी करो। देखो अगे आप एक गां जाया की इस तरह इसे चक्कर चो ही ना जाया, अगे एक गां इसे चक्कर जाया हुई है ना जो फ्रैक्चर होया, इसलिए तो एहतियात करो, ये कोई बंदोबस्त करो अपना। फराज बेटा क्या हाल चाल है, खैरियत से? ये माशाल्लाह ये भी कल सुई है जी, इसने भी कल बच्चा दिया है। अच्छा वो जड़ी गांव बाहर फिर दिए, वो अंदर दिए बाहर दिए? ओ पुत्र ओ गांव जड़ी फिर दिए बाहर दिए अंदर दिए? उन्होंने बस बाहर टुरो को दरवा बंद करो। ये माशाल्लाह बछड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत आ रही हैं, नाप झाल अच्छा है। कल एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो कह रहे, मैंने उन्हें कहा जी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स मजीद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी राणा साहब लगता है सिर्फ तजर्बे ही करी जा रहे हो। मैंने कहा नहीं जी, वक्त आएगा तो सारी दुनिया को नज़र आ जाएगा कि तजर्बों के साथ साथ और क्या कुछ किया हुआ है। अभी सिर्फ जी बिल्कुल फैज़ान के ऐसे ही है जी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी कुछ चीज़ें आम आँख को नहीं नज़र आती जो हम देख रहे हैं। ये बछड़ी चेक करें, ये दिलकश इसका नाम है, ब्राह्मण का बच्चा है ये। गाजी ब्रदर्स का सीमन यूज़ किया हुआ है। इसके कान चेक करें, इसका घुम्मट, इसकी नाफ चेक करें नीचे से, आउट क्लास बच्चा है जी। नहीं नहीं पहले डिगी, पहले डिगी, पहले डिगी चौक के बाहर रख दो, बस चौक के कंधे उत्ते रख दो। डॉक्टर साहब टीकियां टुकियां वास्ते ना किसी पिलर नाल बनया करो, क्योंकि ये फिर हूँ खुल गया ना दोबारा फिर मुरम्मत जो कोई रह जाता।
मक्खियाँ बहुत हैं, मक्खियाँ तो आजकल के मौसम में होती हैं ना जी, मक्खियों के बगैर भी मामला नहीं चलते ज़िंदगी के। मक्खी होगी तो एहसास दिलाएगी ना कि मैं भी हूँ। ओपन एरियाज़ के जो हैं ये हमारे बने हुए हैं तो मक्खियाँ तो लाजमी बात है कि इतने बड़े शेड के अंदर स्प्रे वगैरह करते रहते हैं जी। शिराज बेटा मैं इस वक्त जी रहीम यार खान में अनमोल मुश्तर का फार्म पे तो इन अच्छी तरह धो के पानी बदल कि नहीं जी नहीं परखा मिट्टी नहीं खाती। ये बस अले ना एवं ही समझ लै शौकिया बन छड़दे ने मिट्टी खाने वाले होंगे सारे ही खाते हले बस हौली हौली हो जाएंगे मुंडे भी शायद आती। आसिफ जमील बेटा क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? मोहम्मद यूसुफ खरल शुक्रिया जनाब। फैजान के जवाब राणा साहब किस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं जी, देखते हैं आपके मैसेज नीचे करके सारे दोस्तों। राणा अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। राणा अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी फीमेल हैं जी ब्राह्मण की। शोएब भट्टी अस्सलाम वालेकुम। काशिफ इकबाल अस्सलाम वालेकुम। आबिद अली अस्सलाम वालेकुम। फैजान के दाऊद खान वालेकुम अस्सलाम। मार सरफराज अहमद अस्सलाम वालेकुम। मियां एम एस ए अस्सलाम वालेकुम। राणा इफ्तार अहमद अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यूसुफ सतार क्या हाल है भाई जी, ठीक हैं? ये मोहम्मद यूसुफ सतार भाई की जो है ना गिफ्ट की हुई समझ लें, मीठा दिल बच्चों को भी दे सकते हैं इस मौसम में। बच्चों को दूध पिलाने से पहले 5 cc तेल जो है वो सुबह, 5 cc शाम को आप दे सकते हैं। हाँ जी वसीम भट्टी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एस ए जे हुसैन अस्सलाम वालेकुम। फरहाद उमर नगियाल बहुत शुक्रिया। अहसन नदीम नहीं मट्टी नहीं खाते जी। अनस अजमल थैंक यू वेरी मच। राणा इमरान असलम शुक्रिया। फैसल इकराम बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाहिद कसाना बहुत शुक्रिया। बिलाल मसूद गुलाम हुसैन राणा अमार फराज बेटा वालेकुम अस्सलाम। जमशेद मरवत फैजान के जजाकल्ला। जमशेद मरवत जजाकल्ला। रुस्तम और टाजन भी दिखा दें, वो अभी रश वाले पोर्शन में है। काफ रिजल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद यूसुफ सतार गुस्सा कब किया यार, गुस्सा तो करता ही नहीं मैं। मियां एम एस ए वेरी ब्यूटीफुल। ल्यू मलिक जजाकल्ला। जवेद फकीर दरस जजाकल्ला। ब्राह्मण ब्रीड फीमेल रहे हैं आपके पास जी? जी फीमेल काफ़ी आ रहे हैं जी। जनाब गुजरात